1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका पार्ट ए है यूज़ द बायनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज। अब हमें नंबर दी हुई है सिंगल डिजिट में, तो उसकी पावर दी हुई है, इसको हमने बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से सॉल्व करना और उसकी एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। अब प्रॉब्लम यह है कि बायनोमियल थ्योरम के फार्मूले के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, ए प्लस बी। तो हम इसको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारे पास 11 की पावर 5, इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी कि 10 प्लस 1 की पावर 5। 11 को 2 वैल्यू पे मैंने ब्रेक कर दिया, 10 प्लस 1 होल पावर इसकी आ गई 5। अब 10 हमारे पास ए है और 1 हमारे पास बी है, और इसकी जो पावर 5 है वो हमारे पास एन वैल्यू है। ठीक है, 10 प्लस 1 होल पावर 5 इज इक्वल, फॉर्मूले में फर्स्ट वैल्यू ए की पावर एन, यानी कि 10 की पावर 5 प्लस एन यानी कि 5 मल्टीपल एन यानी कि 5 ए 10 n-1 यानी कि 5 - 1 और बी यानी 1 प्लस एन 5 n-1 5-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ए यानी कि 10 5-2 और बी यानी कि 1 स्क्वायर प्लस एन यानी कि 5 5-1 5-2 होल ब्रैकेट डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ए यानी कि 10 n-3 5-3 बी 1 की पावर क्यूब प्लस एन यानी कि 5 5-1 5-2 5-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ए यानी कि 10 n-4 यानी कि 5-4 और 1 की पावर 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं, पावर हमारे पास 5 थी तो लास्ट में 5 फैक्टोरियल आ गया, तो वहाँ तक हमने ओपन करना था। इज इक्वल फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 की पावर 5 प्लस 5 10 5 की पावर 5 में से 1 माइनस किए 4 और मल्टीप्लाई 1 से ओवर, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस 5 5 में से 1 माइनस किए 4 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 10 यानी कि 5 में से 2 माइनस किए 3 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5 5 में से 1 गए 4 5 में से 2 माइनस किए 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 10 5-3 2 और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5 5 में से 1 गए 4 5 में से 2 गए 3 5 में से 3 गए 2 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 में से 4 माइनस किए 1 और 1 से मल्टीप्लाई हो गए 10 की पावर 1 बन जाएगी प्लस 5 5 में से 1 माइनस किए 4 5 में से 2 माइनस किए 3 5 में से 3 माइनस किए 2 और 5 में से 1 माइनस किए 1 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 10 की पावर 5 माइनस 5 यानी कि 10 की पावर 0 और मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 10 की पावर 5 यानी कि 10 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 को ओपन करेंगे वो प्लस 2 1 2 2 2 4 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 4 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
टू को सॉल्व आउट करेंगे, प्लस फोर से कैंसिल हुआ थ्री टू, यहाँ के पास बच गया फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन, और यहाँ के पास क्या बचा, वन फाइव से फाइव, फोर से फोर कैंसिल हुआ, थ्री से थ्री, टू से टू एंड वन से वन। टेन की पावर ज़ीरो किसी भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो आ जाए तो वो बराबर होते हैं वन के। फाइव से मल्टीप्लाई होगा 10,000 तो बनेगा फाइव, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1,000, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100,000 आएगा, 5 times 50 प्लस 1। अब यहाँ पे था 10 की पावर 5, यहाँ था 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे पावर निकाल के। आसान इसकी ट्रिक ये भी ये है कि 10 यानी कि 0 के ऊपर 5 पावर लगी हुई, तो हमने क्या किया आसान, 5 0 हमने लगा दिया। इस तरह यहाँ पे 4 था तो 1 के साथ हमने कितने 0 ऐड कर दिए, 4, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 3 0 ऐड कर दिए। ये एक आसान ट्रिक है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं, अब इसको हम ऐड करेंगे, इन सब को प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा वो है 161051। क्वेश्चन हमारे पास था 11 की पावर 5। अब 11 की पावर 5 से जिसको हमने ब्रेक किया था, 10 प्लस 5 किया था, इसको हमने एक वैल्यू निकालनी थी बायनोमियल थ्योरम के ज़रिए, जो कि हमने निकाली और इसका आंसर ये बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 101 और उसकी होल पावर है 6, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है 999 और होल पावर उसकी 7। ये दोनों इसी पैटर्न से सेम एज इट इज़ होंगे, इन्हें खुद सॉल्व कर लीजिए।